कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि भूख को कैसे बढ़ाया जाता है। कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें बताऊँगा आपको, अगर आपने ये चीज़ें अब फॉलो कर ली अपनी लाइफ में, ये चीज़ें यूज़ कर ली, तो आपकी भूख बढ़ने लगेगी। क्योंकि बहुत सारे स्किनी गाइज हैं, बहुत सारे पतले बंदे हैं, उनकी जो है वेट नहीं बढ़ता है, उनका वजन नहीं बढ़ता है। जब उनका वजन कैसे बढ़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा खाना खा नहीं पाते हैं और वो मेरे पास यही मैसेज करते रहते हैं, यही कमेंट करते हैं दिन रात कि भाई हमें भूख ही नहीं लगती है, और जब भूख लगेगी नहीं तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अंत तक देखना। अगर आपने अंत तक और एंड तक देख लिया तो आपकी भूख बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो गाइस, मैं हूं आपको दोस्त आपका भाई तामिश, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्काइकिंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल चैनल बनाया हुआ। गाइस, प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए जेन्युइन एंड यूजफुल कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि अक्सर लोग गलती किया करते हैं, और वो शायद आप लोग भी ये गलती कर रहे हो, वो ये है कि ब्रेकफास्ट जो है स्किप कर देते हो, यानी ब्रेकफास्ट नहीं करते हो। दोस्तों, स्टडीज़ में ये पाया गया कि जो भी इंसान ब्रेकफास्ट स्किप कर देता है, ब्रेकफास्ट नहीं करता है अच्छा सा हेल्दी सा, तो उसकी भूख इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर आप एक अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करते हो तो आपकी जो है एपेटाइट यानी भूख बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक गलती सबसे बड़ी करते हैं, जब भी वो ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पराठे खाएंगे या फिर पूड़ी खाएंगे या छोले भटूरे खाएंगे, तो ऐसी चीज़ें वो ब्रेकफास्ट में ही खा लेते हैं। गाइज, आपको जो है ऐसे जो है अनहेल्दी फूड, जो है ऑयली फूड जो है ब्रेकफास्ट में नहीं खाना है। अगर आप ब्रेकफास्ट में ऑयली फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो उससे होता क्या है कि वो हमारे पेट में घंटों तक पड़ा रहता है, जिससे हमारे जो है पेट में ही पड़ा रहता है, हमारा जो है एपेटाइट जो है बेकार हो जाती है और ख़राब हो जाती है, ना हमारा वेट बढ़ता है और हम बहुत परेशान रहते हैं। और गाइज, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सिरप यूज़ करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं अपनी भूख को बढ़ाने के लिए। तो गाइज, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना, हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो आपकी बॉडी पर नुकसान करे। तो गाइज, आपको कोशिश करना है कि जो है ऑयली फूड ब्रेकफास्ट में नहीं खाना है। और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, आपको स्मॉल मील्स लेना है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप खाना खाने के लिए बैठते हो तो आप पता है गलती ये करते हो कि आप बहुत सारा खाना एक बार में खा लेते हो, और फिर होता क्या है कि वो आपके पेट में रहता है और उसको डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो गाइज, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी एपेटाइट कम है, आपको भूख कम लगती है, तो आपको छोटे छोटे मील्स लेना है, यानी कि आपको दिन के अंदर करीब 5 से 6 मील्स लेनी चाहिए। अगर आप दिन में 5 से 6 मील्स कंज्यूम करोगे, खाओगे, तो उससे होता क्या है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट बहुत जल्दी कर देगा। फिर उससे होता क्या है कि आपका वेट इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, मदद होगी। और कोशिश करना कि आप ऑयली फूड ना खाओ, जंक फूड ना खाओ दिन भर में। अगर आप ऑयली खाओगे, जंक खाओगे, जैसे जो है समोसे खाओगे, बर्गर खाओगे, पिज़्ज़ा खाओगे, या फिर ऐसी चीज़ें खाओगे जिसमें तेल बहुत ज़्यादा होता है, मैदा से बनी हुई चीज़ें होती हैं, तो एपेटाइट आपकी कभी भी बढ़ नहीं पाएगी। और जब आपकी एपेटाइट नहीं बढ़ेगी तो ना आपका वेट बढ़ेगा, ना आपका जो है वजन बढ़ पाएगा, फिर आप परेशान रहोगे। तो गाइज, आपको कोशिश करना है कि ऑयली एंड जंक फूड नहीं खाना है। होता क्या है, जब भी हम जो है मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाके जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, उसको पेट जो है चिपक जाती है हमारे पेट में जाके, फिर होता क्या है हमारी जो है एपेटाइट इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो कोशिश करना है कि आपको ऑयली एंड जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। बात करते हैं अगले चीज़ के बारे में, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी एपेटाइट बढ़ाने में, आपकी भूख बढ़ाने में, वो ये है आपको अपनी डाइट में जो है बनाना ज़रूर ऐड करना है। अगर आप बनाना खाते हो तो उसके अंदर कैलरीज भी ज़्यादा मिलती हैं, आपका वेट भी इंक्रीज़ करने में मदद करता है और आपकी एपेटाइट और भूख बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। और आपको एक चीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए कि आप अपनी डाइट में जो जब भी खाना वगैरह खा रहे हो तो उसमें जो है दही ऐड कर सकते हैं। दही में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रखती हैं और भूख बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और जो दही होता है वो हमारी जो है हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट करता है। तो कोशिश करना आप दही खा सकते हैं, जो थोड़ी बहुत सलाद भी खा सकते हैं, और एक फ्रूट आप जो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं वो है पपाया। दोस्तों, पपाया आप ऐड करोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि सच कह रहा हूँ आपकी एपेटाइट बढ़ाने में, आपकी भूख बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, वो ये है कि आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट करिए। दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, बहुत सारे लोग हैं वो जिम नहीं जा पाते हैं, तो आप घर पर ही कुछ ना कुछ करिए, पुशअप्स करिए, पुलअप्स करिए। अगर आप कुछ ना कुछ घर पर करोगे, अपनी बॉडी को इंगेज रखोगे किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में, तो उससे होता क्या है कि हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं खर्च होती है और हमारी एपेटाइट बढ़ने में, भूख बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। दोस्तों, ये 5 ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि आपकी एपेटाइट बढ़ाने में, भूख बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगी, इससे आपका वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और गाइज, अपनी डाइट के अंदर जो है हेल्दी फैट
स्नैक्स ऐड कर लो, जैसे कि आप काजू ऐड कर लो, बादाम ऐड कर लो, पीनट्स ऐड कर लो, इसके अंदर कैलरीज ज़्यादा होंगी एंड जब ज़्यादा कैलरीज आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी तो आपका जो है वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऑल दी बेस्ट यार, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। बाय बाय।